इस तरह है इसका एंट्रेंस। ये अरावली की पहाड़ी हमारे अमेजोन के दिन लगा के, और ये आप बता दूं ये बनाया गया था महाराजा विनय सिंह, साथ में बार है, एंजॉय कर। हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और एक नए व्लॉग में। पीछे आपको पहाड़ दिख रहे होंगे, तो हम जा रहे हैं पहाड़ों के अंदर, किसी हिल स्टेशन नहीं लेकिन राजस्थान के ही पहाड़ों के अंदर, अरावली की पहाड़ियों में, उनकी गोद में जा रहे हैं अलवर बाय रोड जयपुर से। थोड़ा मैं अलवर के बारे में बता दूं, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अलवर बहुत अंडररेटेड है, जितना मैंने महसूस किया है। काफ़ी अच्छी जगह है अलवर और बहुत अंडररेटेड है वो। दिल्ली NCR में आता है अलवर डिस्ट्रिक्ट, जयपुर से भी 150 किलोमीटर और दिल्ली से भी 150 किलोमीटर, तो गुड़गांव से 2.5 घंटे लगते हैं और दिल्ली से 3 घंटे और 3.5 घंटे अपने जयपुर से लगते हैं। तो आपके पास वीकेंड फ्री हो, सिर्फ आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो, वीकेंड ट्रिप बनानी हो, आपके पास सिर्फ एक दिन हो घूमने का, तो ये वीडियो आपके लिए है कि आप एक दिन में कहाँ जा सकते हैं। जयपुर अगर आपके पास टाइम नहीं है आने का तो आप अलवर आइए। अलवर में सही टाइम आने का है जो नवंबर से लेकर मार्च तक का है, क्योंकि मिड अक्टूबर तक भी बहुत गर्मी रहती है। और जो हम विजिट करेंगे उसमें एक म्यूजियम है, बहुत शानदार म्यूजियम है, जिसमें छोटी बंदूक से लेकर, इतनी बंदूक से लेकर 15 फीट की बंदूक तक है। और ऐसे ही एक किला है जहाँ से अलवर का बहुत शानदार व्यू, बहुत गजब का व्यू आता है। ऐसे ही एक पैलेस है जो लेक के ऊपर बनाया गया था, राजा विनय सिंह जी थे, उन्होंने अपनी रानी के लिए बनाया था, उनको गिफ्ट किया था, वो भी बड़ी शानदार लेक है। तो ये 2-3 स्पॉट हैं जो हम एक दिन में जितना कवर कर सकते हैं, तो वो 1 by 1 मोस्ट प्रॉबली देखेंगे एक वीडियो में, नहीं तो 2 वीडियोज में आ जाएगा ये। तो हमारे साथ घूमिए अलवर शहर, राजाओं की नगरी अलवर। तो लेके प्रभु का नाम हम निकल लिए अपने सफ़र के लिए, और हमारा ये रास्ता रहा जयपुर से जाने का। तो फर्स्ट डे हमने सोचा एक्सप्लोर करने का सिलिसर लेक को, मेन अलवर में जाने से पहले ही आ जाती है लेक, ये एंट्री पॉइंट आ गया यहाँ पे। और एंट्री है 100 रुपीज़ पर पर्सन, जो ये 100 रुपये ले रहे हैं तो इसमें पढ़िए आप 100 का क्या दे रहे हैं, ये प्रवेश शुल्क 100 रुपये प्रति व्यक्ति, जिसमें एक कोल्ड ड्रिंक या पानी की बोतल या एक कप कॉफ़ी मिलेगी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। 100 रुपये की पर्ची कटवाकर हमने कर ली एंट्री, और एंट्री करने के बाद मिला हमें ये गेट, जो कि गेट के साइड में बना हुआ है डैम। लेक यहीं से शुरू हो जाती है, लेकिन जो मेन पैलेस है वो है आगे हमारे 200-300 मीटर, तो उसके लिए हम निकल पड़े। और रास्ते में बंदर बहुत मिलते हैं, और रेस्टोरेंट है जहाँ वहाँ भी बहुत बंदर हैं। तो अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा बंदरों का जरूर ध्यान रखें, खाने पीने का सामान पे झपट्टा मार देते हैं। 3 घंटे की ड्राइव के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका हमें था इंतज़ार। तो अभी और देर ना करते हुए हम ले लेते हैं एंट्री, गाड़ी को करते हैं पार्किंग में खड़ा हेलो बोलने के बाद, और अभी आपको दिखाते हैं लेक के नज़ारे, पैलेस के बारे में बताते हैं, लीजिए आनंद पूरी लेक और पैलेस का। सिलिसर लेक एंड पैलेस, हैंडसम ट्रैवलर के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती है। और ये पूरा पैलेस है, ये लेक आ गई, तो इसकी छोटी सी हिस्ट्री की बात करें तो बात ऐसी है, इस दोनों चीज़ों का निर्माण करवाया था उस वक्त के महाराजा ऑफ अलवर महाराजा विनय सिंह जी ने 1845 में लेक बनाई थी ये अलवर के लोगों के पानी की पूर्ति के लिए। और जो पैलेस बनाया था इन्होंने अपनी रानी को गिफ्ट करने के लिए बनाया था, रानी शिला देवी थी, तो भाई उस टाइम राजे महाराजे थे, कुछ भी गिफ्ट कर सकते थे, आज तो पॉसिबल नहीं है। तो यही थी ऑलमोस्ट इसकी हिस्ट्री, और कुछ इस तरह है इसका एंट्रेंस। और इंडिपेंडेंस के बाद इसको राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा टूरिस्ट प्लेस बना दिया, और राजस्थान गवर्नमेंट का टूरिज्म विभाग ही इसको ऑपरेट करता है। हमारी बात करी सीधे ऊपर आए, यहाँ मैनेजर बैठता है, और ये बोटिंग पॉइंट, रेट लिस्ट में जूम कर देता हूँ आपके लिए, 2000 रुपये 10 मिनट के स्पीड बोट के, मोटर बोट के 1200 रुपये 15 मिनट के, और जेट स्की के 800 रुपये 1 राउंड के। अब वो जा रही है, वो मोटर बोट जा रही है, नहीं स्पीड बोट है शायद, स्पीड बोट है। और वहाँ पे आगे रेस्टोरेंट है, साथ में बार है, एंजॉय कर सकते हो। पैलेस में यहाँ से एंट्री करने के बाद दिस इज रेस्टोरेंट, और ये पैलेस है,
लेक पे, और यहाँ पे खाना पीना है और अंदर रूम्स हैं, और जो रूम्स बहुत महंगे हैं रॉयल के हिसाब से रेट्स इनके, वैसे और कुछ नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ रेट्स इनके और खाने के भी दिखा देता हूँ। ये आपका मेन्यू खाने का, 600 रुपये की थाली है और रूम 7,500, और जिसके ऊपर 12% एक्स्ट्रा लगेगा टैक्स। ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की अंडरटेकिंग है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तो ये चला रही है। अच्छे रूम से हमने देखे थे। फिर ये है फ़ायदा इवनिंग में आने का, आराम से बैठो, स्की वगैरह होती है, तो अभी हम थोड़े फोटोग्राफ लेते हैं और फिर निकलते हैं। ये अरावली की पहाड़ियाँ, हमारे अमेजोन के जंगल आ गए। और ये आप 360 में देखिए, ये पहाड़ अरावली के और इसके गोद में बसी हुई ये लेक, बिना ड्रोन के आपको 360 डिग्री दिखाने की कोशिश है। वो पार्किंग से लेके उसके उस साइड तक का कोना दिखा दिया। ये बोटिंग हो रही है, वो मोटर बोट होगी और जेट्स की होगी, तीन चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे एडवेंचर के लिए। इसमें छोटा सा आइलैंड है यहाँ पे एक, एक 170-180 साल के करीब हो गए इसको, बट उसके हिसाब से अच्छा मेंटेन्ड है ये। 12 की ट्रिप में आप अपनी इवनिंग यहाँ बिताएं, बहुत शानदार इवनिंग रहेगी, बहुत अच्छे नज़ारों के साथ। और जिनको एडवेंचर करना है, स्पीड बोटिंग या बोटिंग वगैरह, और ये जेट्स की जो आ रही है 800 रुपये में पूरा राउंड करवाते हैं, तो ये जो देख रहे हो ये पूरा राउंड करके उधर से आई है, इसका राउंड पूरा हो चुका है। तो ये चीज़ें आप यहाँ खा सकते हो, अच्छा खाना खा सकते हो, नज़ारे देख सकते हो। स्टे का इतना ज़्यादा कोई नहीं बनता है, 3-4 घंटे इनफ है यहाँ के लिए। तो एक दिन के टूर में भी इसको अच्छे से कवर किया जा सकता है इवनिंग यहाँ पे बिता के। और ज़्यादा टाइम जो अलवर में लगेगा वो लगेगा टाइगर देखने के लिए, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व। 3-4 घंटे यहाँ बिताने के बाद हमारा एक स्पॉट कवर हो गया है अलवर में। नेक्स्ट रहेगा हमारा बाला किला और वो म्यूजियम, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो दोनों मिलेंगे। वीडियो की स्टार्टिंग में जब मैंने बांध बताया था, तो ये वही बांध है लेक का जो इस गेट के पास आता है। हम यहाँ से हो गए एग्जिट। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जो यहाँ देखने की चीज़ थी वो थे नज़ारे अरावली की पहाड़ियों के बीच में। आप एक रॉयल पैलेस में रॉयल्टी का आनंद उठा सकते हैं, बढ़िया डिनर या लंच कर सकते हैं यहाँ पे। कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो अच्छी बताओ, बुरी लगी तो बुरी बताओ। आप लोग बताओगे उसी के अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट होगा, जो कि आगे काम आएगा। ये हमारा चेक पॉइंट आ गया जहाँ से हमने एंट्री की थी 100 रुपीज पर पर्सन दे के। तो ये पार्ट 1 था अलवर का। पार्ट 2 में आ जाएंगे वो किला और वो म्यूजियम, जल्द ही आएगा पार्ट 2 भी पार्ट 1 के बाद। देन सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।